हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं लेकर आया आपके लिए स्पेशल चिकन मंचूरियन की रेसिपी, तो बने रहें वीडियो के साथ। तो फ्रेंड, ये है चिकन, इसको हम एकदम फाइन चॉप करेंगे, इसका कीमा बनाएंगे। तो फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये कीमा बन के तैयार हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये सारी चॉपिंग है, ग्रीन चिल्ली, ऑनियन, कोरिएंडर, जिंजर, गार्लिक, ये चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगा। तो ये फ्रेंड, ये ऑयस्टर सॉस है, और इसके बाद हम सीजनिंग करेंगे। ये स्वाद अनुसार सॉल्ट है, ये सीजनिंग पाउडर है चिकन, और ये वाइट पेपर, हम क्वांटिटी के अनुसार इसको ऐड करेंगे। अब इसमें हम एग ड्रॉप करेंगे थोड़ा सा, अंडा डालने से जो चिकन का मैरिनेशन होता है वो सॉफ्ट होता है जब फ्राई करेंगे उसके बाद। अब फ्रेंड, हम इसको मिलाएंगे अच्छे से। तो फ्रेंड, थोड़ा सा इसमें हम कॉर्नफ्लोर और मैदा हल्का थोड़ा थोड़ा सा हम ऐड करेंगे। इसका मैरिनेशन हम तैयार करेंगे अब इसको। अब फ्राइड के लिए ये तैयार हो चुका है, तो हम इस तरह से इसको कटिंग करेंगे, गोले बनाएंगे थोड़े छोटे छोटे से। अब ये तेल गरम हो चुका है फ्रेंड, इसको अब एक एक पीस करके इसको ड्रॉप करेंगे। तो स्लो फ्लेम में हम फ्राई करेंगे, हल्के फ्लेम में। वे हाफ डन हो चुका है, इसके बाद हम इसको थोड़ी देर रखेंगे, फिर ये फुल डाउन करेंगे ताकि अंदर तक ये क्रिस्पी हो जाए। तो फ्रेंड, ये चिकन मंचूरियन एक अलग स्टाइल में मैं आपके लिए वीडियो स्पेशली बनाई है। फ्राई हो चुका है, अब हमारा अगला स्टेप रहेगा इसका जो हल्की सी थिक ग्रेवी है, उसके लिए हम तैयार करेंगे इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमें चाहिए ये बेल पेपर, चॉप ऑनियन, स्केलिन, कोरिएंडर और जिंजर गार्लिक, और ग्रीन चिल्ली इसमें चॉप वाली डालेंगे। हमने शुरू किया अब इसको ओक में, सबसे पहले ऑयल डाला, उसके बाद गार्लिक, इसको ब्राउन करेंगे। गार्लिक को ब्राउन करने के बाद हम इसमें ऑनियन डालेंगे, ऑनियन और बेल पेपर जो चॉप किया हमने वो डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा चिल्ली पेस्ट ऐड करेंगे और ऑयस्टर सॉस, ये डार्क सोया सॉस, इसको हल्का सा स्टेयर फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड, ये अब हम स्टॉक का पानी ऐड करेंगे एक लेडल। सीजनिंग में हम डालेंगे इसमें सॉल्ट, ये सीजनिंग पेपर है चिकन, ये वाइट पेपर,
फ्रेंड, इसमें हम हल्का सा विनीगर डालेंगे इसमें। अब ये कॉर्नफ्लोर इसको ठीक करने के लिए हमारी ये ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे फ्राई वाला जो चिकन था हमारा, उसको ऐड करेंगे। उसके बाद ये स्केलिन और कोरिएंडर इसमें डालेंगे। ये हमारा चिकन मंचूरियन मंगोलियन स्टाइल में तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड, कैसा लगा ये वीडियोस? मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। माई ऑल फैमिली।